मोबाइल लुटेरों से पूछताछ करने में भवरकुआं पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। पुलिस ने जिन तीन लुटेरों को पकड़ा उनमें से एक पूछताछ के दौरान मिर्गी होने का नाटक करने लगा। उसने अपनी जुबान में भी कट लगा लिया। इसे देख अफसर घबरा गए, लेकिन वहां मौजूद सिपाहियों ने कहा कि ये बदमाश नौटंकीबाज है। तब पुलिस अफसरों ने सख्ती दिखाई तो बदमाश ने मोबाइल लूट की एक के बाद एक कई घटनाओं का खुलासा कर दिया। इधर एक अन्य आरोपी जिसे पुलिस ने अक्टूबर में ही मोबाइल चोरी केस में जेल हुई थी, उसे भी प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की जाएगी। टीआई शशिकांत चौरसिया की टीम ने मोबाइल लूटने वाले बाबू उर्फ बेड़िया, रोहित उर्फ लिबर्टी, मुकेश सिंह को पकड़ा था। कोर्ट ने तीनों को जेल भेज दिया। आरोपियों ने सरस्वती नगर में मीनल अग्रवाल के साथ लूट की वारदात की थी। आरोपियों के नशे के लिए वारदात को अंजाम देना बताया था। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर करीब 39 मोबाइल जब्त किए हैं। अफसरों के मुताबिक मुख्य आरोपी बाबू उर्फ बड़िया और रोहित उर्फ लिबर्टी सातीर अपराधी हैं। वह स्मैक और ब्राउन सुगर का नशा करते हैं, इस कारण वह कई बार पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं। इस बार मोबाइल चोरी में पकड़े जाने पर उसने जीभ काट ली। इसके बाद खून की उल्टी करने लगा। एक बार तो उसने मिर्गी के दौरे की नौटंकी भी की। इससे पुलिस कर्मियों में घबराहट पैदा हो गई। एक बार टीआई ने कह दिया कि इन्हें तुरंत अस्पताल भेजकर कोर्ट में पेश कर दो। इस दौरान सिपाहियों ने बताया कि इनकी कई जगह से जीभ कटी है। यह इस तरह के नाटक करते हैं ताकि पुलिस की कार्यवाही से बच जाएं। इसके बाद उन्हें लालच देकर जुर्म कबुलवाए गए। तब उन्होंने कई अपराधों का खुलासा किया। आमतौर पर लूट या चोरी की शिकायतों को लेकर थाने पर शिकायत लेने के बदले सिटीजन कार्प पर पुलिस शिकायत अपलोड करने की बात कहती है। ऐसे में अपराधियों ने लूटे गए मोबाइल को दुकानदारों को नहीं देकर उन्हें अपने रिश्तेदारों को दे दिया था, लेकिन पुलिस मोबाइलों को ट्रेस नहीं कर पाई। बाद में मीनल अग्रवाल के मोबाइल में सीसीटीवी आने के बाद पुलिस ने उस मोबाइल की ट्रैकिंग पर डाल दिया। ट्रैकिंग पर डालते ही आरोपियों से जुड़ा हुआ बदमाश दिनेश पकड़ा गया। उसने पुलिस की पकड़ में आते ही अपने दूसरे साथी आरोपियों की जानकारी भी पुलिस को दे दी। अफसरों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ जब इतने बड़े मोबाइल की बरामदगी में किसी दुकानदार का नाम सामने नहीं आया। पुलिस के मुताबिक अब मामले में ओम प्रकाश उर्फ काड़े से पूछताछ होगी। पुलिस ने बताया कि ओम प्रकाश को अन्नपूर्णा पुलिस कुछ दिन पहले मोबाइल लूट कांड में पकड़ चुकी है। बाद में पूछताछ कर उसे जेल भेजा गया था। टीआई चौरसिया के मुताबिक ओम प्रकाश को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की जाएगी। वारदातों को लेकर भी उससे पूछताछ की जाएगी।